नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जी हाँ, सोते समय केरोसिन डालकर आग लगाई गई। इलाज के दौरान 24 दिन बाद भोपाल में दम तोड़ा। जी हाँ, बड़ी खबर है। सागर के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल में इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत की खबर है। सूचना पर देवरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुसमी निवासी हल्ले भाई कुर्मी का अपने भाई भतीजों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते आरोपियों ने 15 जून की रात सो रहे हल्ले भाई पर हमला कर दिया। तलवार से वार किया, जिसके बाद केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। हल्ले भाई को गंभीर अवस्था में देवरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया था। लेकिन सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हल्ले भाई का इलाज चला। इसी दौरान तबीयत में सुधार नहीं आने पर परिवार के लोग इलाज कराने के लिए भोपाल ले गए और भोपाल में उपचार के दौरान सोमवार को हल्ले भाई की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बालकराम कुर्मी, बिहारी कुर्मी और साहब कुर्मी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच में लिया है। मौत से पहले बीएमसी में भर्ती हल्ले भाई कुर्मी ने बताया था कि वह 15 जून की रात अपने घर में तखत पर सो रहा था। रात करीब 12 बजे बालकराम, बिहारी और साहब आए। बालकराम ने तलवार से हमला किया। खुद को बचाने के लिए वह भागा तो बिहारी ने ज्वलनशील पदार्थ ऊपर डाल दिया और किसी ने आग लगा दी। जैसे ही आग लगी तो उसने कंबल ओढ़ लिया, भाग गया। चिल्लाने पर आसपास और परिवार के लोग आ गए। उन्होंने अस्पताल में एडमिट करवाया। मृतक ने बताया कि गाँव में जमीन को लेकर भाई और भतीजों के बीच विवाद चल रहा था। जमीन को लेकर ही उन्होंने हमला किया है। घटना के बाद परिवार वाले मृतक हल्ले भाई को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। इसके अलावा देवरी स्वास्थ्य केंद्र से भी घायल व घटना के संबंध में पुलिस को मेमो नहीं दिया गया, जिस कारण देवरी पुलिस को घटना की जानकारी नहीं मिली। इसी बीच घटनाक्रम सामने आया, जिसके बाद 5 जुलाई को देवरी पुलिस ने बीएमसी पहुंचकर हल्ले भाई के मरणासन्न बयान लिए थे। एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई थी। कुर्मी जो निवासी कुसमी गांव का था, देवरी थाना क्षेत्र का एक गाँव है। जब सूचना प्राप्त हुई इस संबंध में, तो इसमें अपराध कायम किया गया और अपराध कायम करके इसमें इसकी विवेचना लगातार की जा रही है। और जैसे कि कल सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो आगे भी इसमें उन्हीं साक्ष्यों को संकलित करके और आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें किया।